नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश मिश्र। आप देख रहे हैं टाइम न्यूज। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। नागपुर के उभरते कलाकार अभिषेक इंगले से खास बातचीत। नागपुर के उभरते कलाकार और बम्पर ड्रॉ के अभिनेता अभिषेक इंगले ने की अपनी फिल्म को देखने की अपील। हमारे संवाददाता सलीम रहमान की रिपोर्ट। एक्टिंग का पैशन है, प्रोफेशन बनाना नहीं बनाना तो ऊपर पहली मूवी रिलीज हुई है अभी ऑल ओवर इंडिया रिलीज हुई है, दिल्ली बिहार आसाम उड़ीसा ओवरऑल इंडिया रिलीज हुई है। लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस है, मेरा कैरेक्टर लोगों को पसंद आ रहा है, विशेज मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी नागपुर में भी कल रिलीज़ हो चुकी है आशीर्वाद टॉकीज में। कल हमें सिर्फ दो शो मिले थे लेकिन आज लोगों का रिस्पॉन्स देखते हुए हमें चारों शो दे दिए गए हैं। उसके लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सभी दर्शकों का शुक्रगुजार हूँ आपके माध्यम से। थैंक यू सो मच, आपका प्यार आपका आशीर्वाद के सपने पूरे करने में। बेसिकली मुंबई को माया नगरी कहा जाता है क्योंकि आई गेस 10 में से हर 4-5 लोगों का सपना है कि वह एक्टर बने। फेम है, आपको नाम मिलता है, आपकी तारीफ होती है, आपको अपने घर वालों का नाम रोशन करने का मौका मिलता है। पहली चीज़ तो यह है कि मुंबई में स्ट्रगल शब्द सही मैं नहीं मानता, स्ट्रगल के जगह उसको सीखना लर्निंग में ज़्यादा बेटर उसका ऑल्टरनेटिव होगा। क्योंकि जब आप स्ट्रगल करते हैं तो स्ट्रगल करते टाइम आप बहुत कुछ सीखते हैं, आप अपने अंदर बहुत कुछ आत्मसात करते हैं। इस तरीके से आप ऑडिशंस देते हैं, आपको पॉलिशिंग होता है। मैं किशोर नमित कपूर एक्टिंग इंस्टीट्यूट से ट्रेन एक्टर हूँ, मैं डिप्लोमा आर्टिस्ट हूँ और मैं चित्रपट महामंडल का भी मेम्बर हूँ एज एन एक्टर। तो जब मैंने ऑडिशंस देना शुरू किया तो मन में एक डर था कि क्या होगा, क्योंकि नए थे, कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था एक्टिंग में। ऑडिशंस एक्टिंग क्लास कंप्लीट करके फिर ऑडिशंस देना शुरू किया। ऑडिशंस देते देते सीधी बात है, जब आप बहुत कुछ करते हैं और आपको कुछ नहीं मिलता तो डिप्रेशन आता है, मुझे भी आया। इंसान पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा है, फ्रेंड्स का बहुत सपोर्ट रहा है। ऑडिशंस देते देते मेरी मुलाकात इरशाद खान जी से हुई, जो बम्पर ड्रॉ के डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं। उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने अपने ऑफिस में बुलाया, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, उन्होंने फिर मेरा ऑडिशन लिया। उन्हें मेरा काम पसंद आया तो फिर मुझे, जैसा आप देख सकते हैं, रफीक का किरदार जो राजपाल जी के साले का रोल प्ले कर रहा है वो किरदार मुझे दिया गया। डैड एक बहुत सेल्फ प्रोक्लेम्ड इंसान है, जब वो मेरे एज के थे उनकी परिस्थिति कुछ खास नहीं थी। आर्टिस्टिक बैकग्राउंड से मैं बेशक नाता रखता हूँ क्योंकि म्यूज़िक भी आर्ट का एक फॉर्म है, लेकिन बचपन से ही मुझे एक्टिंग, एक्चुअली मैं बचपन से ही करते आ रहा हूँ। स्कूल में पेट दर्द का बहाना, स्कूल नहीं जाना है तो बुखार का बहाना, वो ऐसा तो नहीं लग रहा कहीं ना कहीं वो बहाने सारे यहाँ पे काम आ रहे हैं आपको? बहुत ज़्यादा काम आ रहे हैं क्योंकि वो टीचर्स मेरी आज भी मेरा, मैं सेंटर पॉइंट स्कूल का स्टूडेंट हूँ और मेरी बचपन से ही पढ़ाई वहीं से हुई। तो मेरी टीचर्स आज भी मुझे बताती है कि जब मैं उनके सामने नाटक करता था तो कुछ हद तक के वो सही में इतना जेन्युइन रहता था वो, कि वो सही में उनको सही में लगता था कि सही में तो इसे पेट दर्द नहीं हो रहा। तो ये मेरा पहला प्लेटफॉर्म था। और रही बात आपने पूछा कि मेरे आगे फ्यूचर्स के क्या प्लान हैं, तो फ्यूचर के प्लान के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि 3-4 साल हो रहे मुझे इंडस्ट्री में, काफ़ी ऑडिशंस दिए, कछूट काफ़ी माता रानी के आशीर्वाद से बहुत सरकार के काम से काम चल रहा है। मेरे और एक दो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं अभी। आप एक हिंदी फिल्म है जो नागपुर के बेस्ड प्रोड्यूसर्स ने बनाई है और यहाँ पे नागपुर की कला को एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की गई है, जिसका नाम है प्यार बढ़ाया पैसा। उसमें रजा खान जी, मुश्ताक खान जी, शक्ति कपूर जी और सुनील पाल जी से बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं और उसमें मैं लीड प्ले कर रहा हूँ। 4 फ्रेंड्स की स्टोरी है, कॉलेज भी स्कूल भी है और वो स्टोरी हर किसी की है, प्यार बड़ा या पैसा। आखिर ये क्वेश्चन किया गया है कैसे चीज़ें रिवॉल्व होती है, वो भी बहुत कॉमेडी मूवी है और उसमें मेरा कॉमेडी किरदार है, आप मुझे जल्दी उसमें देख पाएंगे। उसके साथ साथ मैं सुनील यादव जी के प्रोडक्शन में एक फिल्म कर रहा हूँ जिसका शूट कम्प्लीट हो चुका है, अनटाइटल्ड है, उस प्रोडक्शन में चल रहा है। एक उन्हीं की प्रोडक्शन है, उसकी एक हिंदी मूवी भी की है, हिंदी मराठी दो फिल्म्स हैं उनकी।
इरशाद जी के साथ में भी आगे के प्रोजेक्ट्स लाइंड अप हैं, भी चल रहा है।